सो ये रही हमारे सामने हमारी वॉच एंड वीवो की V20 SE मोबाइल फ़ोन। तो ये नॉट ओनली V20 SE, आप वीवो के किसी भी फ़ोन में इसको कनेक्ट कर सकते हैं और ये सेम प्रोसेस है, बस आपके फ़ोन में इस नॉइस फिट एप्लीकेशन होनी चाहिए। ठीक है, फ़ोन में आपका जो है ये QR स्कैन कोड को आपको लाना है, सेटिंग्स में जा करके सेटिंग्स में ऑप्शंस वो आपको मिल जाएगा। एंड इसके बाद का जो प्रोसेसर है यहाँ पे पेयर डिवाइस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है दो ऑप्शंस अवेलेबल है, एक तो डायरेक्टली आपको सर्च कर लेगी, उतना हमें वेट नहीं करना है, डायरेक्ट QR स्कैनर पे जाते हैं एंड यहाँ से अपने डिवाइस को कलर फिट पल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी डिवाइस रहे इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड देन ये QR कोड आपका ओपन हो जाएगा। बस इसको जो है यहाँ पे आपको स्कैन करना है, ठीक है, QR कोड को स्कैन कर लेना है इस तरह से। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम की जो मैं बात करूँ, ठीक है, किसी किसी का कमेंट्स आया था कि थोड़ा लंबा टाइम लगता है या फिर रीट्राई का ऑप्शन आता है, जैसा कि आपको थंबनेल में देखा है, ये भी देखिए रीट्राई का, तो आप इसको रीट्राई करें। ठीक है, मेरी दिखा रही है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, बट देखिए मेरा पे यहाँ पे नेट ऑन भी है। ठीक है, तो मैं फिर भी इसको रीट्राई करता हूँ दोबारा एंड ये जो है इस तरह से आपको मैं अगर 2-3 बार या 4-5 बार इस तरह रीट्राई करें तो आप इसको कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड कोई इश्यू भी नहीं होगा। और इसके बाद का जो प्रोसेसर नेक्स्ट, ये आपका इसी तरह से थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट ले सकता है। तो इसको आपको जितना टाइम लगे उसको आप यहाँ पे इसको टाइम लेने दीजिए और उसके बाद जो ये कनेक्शन स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। तो देखिए वहाँ पे मेरा रिट्राई करते करते जो है मैंने जब भी इसको 2 सेकेंड टाइम स्कैन कर लिया तो वो भी नहीं हुआ, तो मैं इसको फिर से इसको स्टॉप करके मैं दोबारा इसको स्कैन किया। एंड जो है अगर आपका नहीं होता तो आप भी ये कर सकते हो, अगर स्कैनिंग में थोड़ा ज़्यादा समय लगे तो उसको आप स्टॉप कर दो, स्टॉप करने के बाद जो है दोबारा उसको स्कैन कर ले। इससे क्या होता है कि मे बी आप अगर जो एरर या फिर स्कैनिंग रिलेटेड इशू या कनेक्टेड रिलेटेड इशू रहेगा तो वो थोड़ा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। एंड ये देखिए यहाँ पे अब हमारे ऑप्शंस जो है आगे पेयर डिवाइस करने के लिए, तो इसे हमें अब ओके कर लेना है एंड रेस्ट ऑफ द जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीड पे करते जाना है। एंड इसके सेटअप्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक प्रीवियसली वीडियो बनाई है फुल उस पर डिटेल्स के साथ। ये तो मैं जैसे इसको नॉर्मली आपको यहाँ दिखाने के लिए कुछ भी फिलअप करके सेटअप कंप्लीट कर देता हूँ ताकि मैं आपसे यहाँ पे इसको वीडियो को शेयर कर सकूँ कि हाँ भाई स्टेबलाइज इसका जो कनेक्शन स्टेबल जो हुआ है टोटली अच्छे से हुआ है। तो देखिए ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस आपसे आए इसको आप नेक्स्ट कर दीजिए। एंड हमारा देखिए यहाँ पे वॉच कनेक्ट हो गई है एंड देखिए यहाँ पे कनेक्टिंग का साइन भी आ गया है, ये पेयरिंग का साइन है। जब भी आपका इस तरह से कनेक्शन हो जाता है फ़ोन एंड वॉच के साथ तो इस तरह की साइन आ जाती है। एंड अभी मैं यहाँ पे आगे चल के भी आपको दिखा रहा हूँ ये सब सारे चीज़ की कनेक्शन हुए थे। तो ये देखिए हमारा नॉइस कलर फिल्टर यहाँ पे कनेक्टेड हो चुकी है एंड लास्ट सिंक टाइम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाइमिंग जो है यहाँ पे 7:20 पे हुई है। एंड यहाँ पे मैं आपको वॉच पे भी टाइम दिखा दूँ, जो टाइमिंग है वो देख लीजिए 7:20 में यहाँ पे हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। टिल नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।